बहुत अच्छा इतना होशियार लड़का था हमारा और बहुत कुछ भी करने की इच्छा थी कि पिताजी का कर्जा होता रहूं, ये करूं, ऐसी बातें करता था। और एक दिन पहले मेरे को मिल के गया। अच्छा, मिल के गया मेरे दुकान में आया। चाकूबाजी में घायल हुए छात्र देवराज उदयपुर शहर में का माहौल है। आसपास के इलाके को पुलिस ने छानने बना दिया है। हर चौराहे पर पुलिस है, इसके साथ पुलिस नजर तो है, एक एक का तमाम निकल रहा है। देवराज का यहाँ पार्थिव शरीर जो अभी अंत्येष्टि में शामिल लोग होंगे वो है। यहाँ पे लोग तमाम जो है वो निकल रहे हैं, अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे तमाम जो ये लोग हैं वो अब मोक्ष धाम जाएंगे जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आगे चलो भाई जी, आगे निकलो। देवराज की अंतिम यात्रा में शामिल लोग जो है लगातार यहाँ पे भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं। यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देवराज अमर रहे के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हुई है। अब देवराज अमर रहे के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। यहाँ पे देखिए हर आंख में आंसू है। अम्मा जो है वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। और यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर आंख जो है वो नम है और नम आंख है। इसी वजह से लगातार जो है हर व्यक्ति के जहन में देवराज का चेहरा घूम रहा है और देवराज को लेकर के लोगों का क्या कहना है हम बात करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा। अच्छा बच्चा था, हम तो उस स्कूल में पढ़े हुए हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि आज तक उस स्कूल की क्या हालत हो चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा लड़का था, सुशील लड़का था और पढ़ा लिखा था, एजुकेशन अच्छी थी, सिंसियर लड़का था वो। अच्छा, हाँ। राम का किरदार भी, हाँ, राम का किरदार भी क्या था। और सामने वाले बच्चे के अंदर द्वेष भावना भी बहुत थी। इस तरह की भावना कम होनी चाहिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके कारण बच्चों में ये प्रवृत्ति नहीं आए। तो राम का किरदार जब करता था तो गेटअप में पूरी खुद ही पूरे गेटअप में खुद ही तैयारी करता था। तो बता रहे हैं लोग कि राम की जो है गेटअप में झांकी में राम बनता था, वो राम का किरदार निभाता था। क्या कहेंगे देवराज के बारे में? देवराज बहुत अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का था, सुशील लड़का था, परिवार को भी संभालता था। क्या करें, भगवान ने उनके साथ राम का किरदार वो निभाता था। बिल्कुल पूरा सनातनी था और स्कूल के सारे फंक्शन में वो एक सनातनी के रोल के रूप में एक आइडियल पर्सन था और उसकी भावनाएं एकदम जैसे पूत के पग पालने नजर आते हैं, तो वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति था। राम के रोल हमेशा करता रहता था, राम के रोल करता था बिल्कुल। तो झांकियों में राम के रोल करता था, सनातनी था और लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इतना होशियार लड़का था हमारा और बहुत जो है वो नम है। देवराज को अंतिम विदाई देते हुए लगातार और क्या देवराज तो गरीब परिवार में पैदा हुआ और होशियार लड़का था और सब अपने या इसके पिताजी कुवैत गए, उसके बाद में अपना पढ़ाई का काम, घर का काम सब संभालता था और कुछ भी इसे अपने कुछ भी करने की इच्छा थी कि पिताजी का कर्जा होता रहूंगा, ये करूंगा, इसी बात करता था। मतलब 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र वो सब कुछ समझता था, सब समझता था। गरीब परिस्थिति उसको मतलब इतना होशियार बना दिया था और एक दिन पहले मेरे को मिल के गया। अच्छा, मिल के गया मेरे दुकान में आया। क्या बोला आपको? मेरे को बोला कि मैंने अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कहीं काम कर रहा है, तो वो बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, अभी छुट्टी होगा तो आपके पास में बड़ा पापा लग रहा हूँ मैं उसका। तो ये उसके बड़े पापा लगते हैं। तो वो कहेगा मैं अभी छुट्टियों में आपके आऊंगा, मैं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि छुट्टियों में कभी आते मेरी दुकान पे बैठता था और मेरे मामा का लड़के का लड़का था ये और होशियार लड़का था, वो बहुत अच्छा लड़का था, कभी किसी से झगड़ा कभी करता ही नहीं था, बहुत ही सीधा और भोला लड़का था ये। तो कभी किसी से बात भी नहीं करता था, मजाक मस्ती करता था, बाकी किसी ऐसी बात। लड़के हैं, बच्चे हैं, उसके हम उम्र है, उनसे भी बात करना चाहूंगा। देवराज के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपके तो साथी रहा हो? मोहल्ले का लड़का था सर, भोला वाला था, आपके साथ में खेलता कूदता होगा, आपकी क्या हम उम्र था? हाँ, हमारे साथ ही रहता था अधिकतर, मतलब किसी प्रोग्राम में रहता, हमारे साथ ही रहता। यहाँ तस्वीरें आप देख सकती हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। तमाम लोग जो हैं घरों से, आप देख सकते हैं तस्वीरें महेश दिखाएं एक बार, छतों पर जो लोग हैं वो नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। छतों पर लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मोक्ष रथ में जो है देवराज की पार्थिव शरीर जो है वो आगे चल रहा है और यहाँ पे निगरानी जो है वो ड्रोन से भी रखी जा रही है। ये तस्वीरें ड्रोन की देखेंगे तो ये ड्रोन से निगरानी जो है वो भी यहाँ पे रखी जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो मोक्ष धाम की तरफ यहाँ पे निकल रही है ये अंतिम यात्रा। और देवराज की अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं, इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस के साथ साथ में यहाँ पे हर छत पर जो नम आंखों से विदाई देने के लिए लोग हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से मोक्ष धाम की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। देवराज की अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है। आप देख सकते हैं कि देवराज जो कि चाकूबाजी में घायल हो गया था, उसका यहाँ पे अंतिम संस्कार में लोग जो हैं देवराज अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोक्ष रथ, जिसमें अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर मोक्ष धाम की तरफ पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पे निकल रहा है। ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से देवराज की अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ पे निकल रही है। देवराज की अंतिम यात्रा में ये भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है पुलिस की। और ये तस्वीर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अंतिम यात्रा के साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तमाम पुलिसकर्मियों के साथ में शहर के जो लोग हैं वो अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मोक्ष धाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें उदयपुर शहर की, जहाँ पे लोगों से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि एक सुरक्षा की दृष्टि से पूरा यहाँ पे हुजूम जो है वो यहाँ पे है और पूरी की पूरी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। ये तस्वीरें चौराहे की हैं।